Hello dear students, welcome to Techno Herald Online. I am the faculty of Mathematics. Here we start the lesson 1, which is evaluation of definite integral and improper integral. In this topic, we are going to discussion about definition of definite integrals and improper integrals. Okay, and with examples, with their types, what are their types and with their special properties of definite integrals. So students, let's start this lecture. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स. Evaluation of definite and improper integrals. I think indefinite integrals आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से डेफिनेट इंटीग्रल को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ एक क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी ना हो. डेफिनेट इंटीग्रल फ्रेंड्स जो होता है, किसी भी फंक्शन को अगर हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसमें एक चीज़ रहती है लिमिट, दैट इज ये लोअर लिमिट a, दैट इज लोअर लिमिट, और b दैट इज अपर लिमिट, ठीक है. वो ए टू बी के रिस्पेक्ट में एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमें पता है कि इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिलता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व. तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिफिनिट इंटीग्रेशन की, तो डिफिनिट के केस में क्या होगा कि कोई भी पार्ट जो लिमिटेड होगा, लाइक एक्स इज इक्वल टू ए एंड अपर लिमिट इज x इज इक्वल टू बी, तो मेरा जो एरिया यहाँ पे फाइंड होगा वो इस कर्व का, इस फंक्शन के उस हिस्से का आएगा जो इन लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है, मतलब इन लिमिट्स के, इन कर्व के नीचे जो लाइव कर रहा है, अंडर द कर्व, ठीक है. और उसकी लिमिट है x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर उसकी इवेल्युएशन कैसे की जाती है, ध्यान देंगे. कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, मान लें इफ अगर हम ये सोच लें कि जो हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसे हम साई फाई एक्स से नाम दे रहे हैं. मान लें जो भी एफ एक्स होगा उसको अगर हम इंटीग्रेट करें, उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो फाई एक्स से आ रहा है, तो हमें पता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑलवेज एक कॉन्स्टेंट भी आता है साथ में, ठीक है, और वहाँ लिमिट लगाएंगे ए टू बी. ओके, लिमिट का अप्लाई कैसे होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी मेरा रिजल्ट आया है इंटीग्रेट होके उसमें, तो क्या होगा? फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए प्लस सी. जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस सी, तो सी और यहाँ का सी कैंसल आउट हो जाता है, तो बचेगा फाई बी माइनस फाई ए. सो फ्रेंड्स, ऑलवेज डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कांस्टेंट का उपयोग करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऑलवेज कट जाएगा, ठीक है, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है. डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फाई एक्स लिखेंगे एंड देन उस फंक्शन में, उसमें एक्स के जगह पे अपर लिमिट एंड माइनस देन लोअर लिमिट, ठीक है. कुछ इसके ऊपर हम एग्जांपल्स भी करेंगे. एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. लाइक एफ एक्स जो है हमारा वो है एक्स स्क्वायर और उसकी लिमिट जो है वो है 1 to 2, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, ठीक है. तो यहाँ पर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन एन प्लस सी, ठीक है, ये हमें पता है। सो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स का पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा और इस पर लिमिट वन टू टू हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ एक्स के जगह पे टू क्यूब अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, टू का क्यूब एट डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन डिवाइड बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे सेवन बाई थ्री। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपने पहले भी किया हुआ होगा ट्वेल्थ में, ठीक है, तो जस्ट उसको मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत लोगों से नहीं भी बनता है, बहुत लोग इसको अज्यूम करके ही बनाते हैं, बहुत तरह के दो तीन मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो मैं एक मेथड इसमें अप्लाई करूँगा, क्या वो ये कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस लॉग सी। व्हेनेवर आपको इंटीग्रेशन में लॉग आ रहा है, ठीक है, देन कॉन्स्टेंट भी आप लॉग में रखेंगे, ठीक है, जस्ट टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्टी ऑफ लॉग को अप्लाई कर सके। जैसे लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम इन टू एन। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कॉन्स्टेंट को भी लॉग में रखा जाता है। ओके, सो इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई किया जाए यहाँ पर तो क्या होगा, ये वन अपॉन है तो ये हो जाएगा लॉग मॉड टू एक्स माइनस थ्री, और जो x का कोफिशियंट होता है वो ऑलवेज डिवाइड में आएगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, और इस पे लिमिट है 0 टू 1। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देखते हैं, अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। ओके फ्रेंड्स, सो वन बाई टू लॉग टू इंटू वन लॉग टू माइनस थ्री, वट विल बी द रिजल्ट, दिस विल बी लॉग माइनस वन, मॉड ऑफ माइनस वन। ओके, नाउ माइनस टू इंटू जीरो जीरो, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ लॉग मॉड ऑफ माइनस थ्री। क्लियर है? अब लॉग माइनस वन मॉड में है, दैट इज इक्वल टू लॉग वन, एंड ये भी लॉग थ्री हो जाएगा। ओके, नाउ हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, वी ऑल नो दैट लॉग वन इज इक्वल टू जीरो, सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ थ्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब और भी इसमें कुछ क्वेश्चन के हम टाइप्स देखेंगे। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही है, इसमें लिमिट है 0 टू 1, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो दो जगह पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन किस टाइप से करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके कंजुगेट से हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट कहने का मतलब, जो भी डिनोमिनेटर में मेरा टर्म है, जो भी फंक्शन है उसके कंजुगेट कहने का मतलब, यहाँ बीच में उन फंक्शन के बीच में दो टर्म जो है एक्स्ट्रा उसके बीच में जो भी साइन है उस साइन को अपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस है, उस टर्म से उस फंक्शन से हमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें मिल सके, जिसका फॉर्मूला हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स जो मैंने अभी कहा। ओके, ये अप्लाई करने से ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे राउंड कर देता हूँ। फॉर्मूला जो भी जहाँ पे भी अप्लाई हो रहा हो, बीच में कहीं पर भी आ रहा है, अगर मैं साइड में लिख रहा हूँ तो उसको आप भी अच्छे से बॉक्स बना के नोट कर दिया करें। होता है फॉर्मूला कभी कभी याद नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी लिख के रखेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, नाउ ऊपर में क्या होगा फ्रेंड्स, ये तो वन से मल्टीप्लाई होकर उतना ही रह गया, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये मुझे क्लियर नज़र आ रहा है दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों जगह, यहां भी ऐसा करने से क्या हुआ, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे में तो वन बचा तो कोई मतलब ही नहीं रहा, नीचे का डिनोमिनेटर ही खत्म हो गया मेरा, बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ बचा मेरा न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में दो टर्म है, दोनों का मुझे इंटीग्रेशन करना है अलग अलग। अब वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ए प्लस एक्स टू द पावर 3/2। ठीक है, ए प्लस एक्स टू द पावर 3/2 कैसे आया, इस ए प्लस एक्स पे पावर कितना है 1/2, और इंटीग्रेशन क्या कहता है कि पावर एक ऐड हो जाता है, तो 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2, क्योंकि वही एन प्लस वन हम डिवाइड में भी भेजेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस, वहाँ भी सेम एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और इस पूरे पे लिमिट है 0 to 1। ओके, नाउ ये जब मल्टीप्लाई साइन में जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये हमें पता है, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये भी 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2/3 को कॉमन ले लिए तो बचा 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 एंड माइनस एक्स टू द पावर 3/2। अब हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अपनी लिमिट, दैट इज 0 and 1। ओके, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स, अपर लिमिट 1 + 1 3/2, यहाँ पे एक और ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जहाँ जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ज़रूर इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स, माइनस 1 to the power 3/2, देन माइनस देंगे एंड देन लोअर लिमिट 0, सो इट इज़ ओनली 1 + 0 3/2 एंड माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 पे पावर एनीथिंग इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, सो 1 + 1 2 to the power 3/2। थोड़ा सा इसको मैं फ्रेश उस तरफ लिख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत नीचे हो जा रहा है, ये आ गया 2 to the power 3/2 एंड माइनस 1 इस तरफ बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे 1 to the power 3/2, यानी क्या बचा है, माइनस 1 यहाँ भी बचा है, और कुछ नहीं बचा है। क्लियर, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। ओके, नाउ 2 to the power 3/2 को वैसे ही छोड़ दें फिलहाल, ये माइनस 1 और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस 2। ओके, नाउ क्या करें कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन कैसे लेंगे, इस 2 to the power 3/2 का मतलब हुआ 2 to the power 1 इंटू 2 to the power 1/2। ओके, क्योंकि बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर में एडिशन होता है, दैट्स वाई हम उसको स्टेप से लिख सकते हैं। अब ये
मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ एक टू है, यहाँ एक टू है, मतलब टू को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो टू जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे टू पहले से था तो ये 4/3 हो जाएगा, एंड यहाँ बचा 2^1/2 जो कि होता है √2, और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 1 बचा है। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। लिमिट 0 to π/2 √1 − cos 2x dx, 1 − cos 2x dx। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हमें अब फिर से ट्रिगोनोमेट्री, लास्ट लेक्चर में भी हमने कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री का काफ़ी यूज़ होने वाला है, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ यहाँ पे भी आएगा। अब देखें किस टाइप से आएगा, कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जिससे ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। अब स्क्वायर रूट ख़त्म होने के लिए कुछ ना कुछ ये 1 हट जाना चाहिए और यहाँ पे जो टर्म आए उस पर स्क्वायर हो, क्योंकि स्क्वायर ही स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर सकता है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले तो नोट डाउन कर लेंगे कि हमें कौन कौन सा फॉर्मूला पता है, और एक पता है 1 − 2 sin²x, एक पता है 2 cos²x − 1 and 1 − 2 sin²x। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी रखेंगे तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉस और साइन के बीच में भी बहुत सारे रिलेशन और उसके फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके फ्रेंड्स, अब इससे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 0 to π/2 √1 − 1 − −+2 sin²x dx। ओके फ्रेंड्स, तो इससे क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, √2 sin²x dx। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से मुझे क्लियर हो गया कि चलो साइन स्क्वायर आ गया है। अब हम इसमें से स्क्वायर को, स्क्वायर की वजह से इस स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं, और कांस्टेंट पे स्क्वायर रूट रहा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर रह सकता है। ठीक है, ओके, अब 0 to π/2 √2 बाहर रह गया और साइन एक्स बचेगा। इसके बाद ये स्टेप क्लियर है फ्रेंड्स, कि साइन स्क्वायर एक्स में से साइन एक्स आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, और ये 2 अंडर रूट में रह गया। ओके, नाउ ये रूट अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर, मेरे पास बचा 0 to π/2 sin x dx। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, वी ऑल नो दैट इंटीग्रेशन इज व्हाट, इट इज एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव, तो मुझे पता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। सो इफ वी इंटीग्रेट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, दिस विल बिकम माइनस कॉस एक्स। ओके, सो वॉट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इट इज माइनस कॉस एक्स। एंड विद द लिमिट 0 to π/2, वी डोंट नीड टू गिव कॉन्स्टेंट, ऑलरेडी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि कॉन्स्टेंट हमें यहाँ देना है नहीं डेफिनेट में। ओके, सो अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, माइनस है, माइनस को बाहर ही रखें, और कॉस पाई बाय टू अपर लिमिट माइनस कॉस 0 दैट इज लोअर लिमिट। ओके, अब क्या होगा,
कॉस पाई बाई टू, कॉस 90 की वैल्यू, पाई बाई टू इज व्हाट 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पता हो, जीरो। एंड माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, दिस इज वन, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। ये तो जीरो है तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ स्टेप में मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को परेशानी होनी चाहिए, एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमें और भी दूसरे दूसरे तरह के मतलब मल्टीपल इंटीग्रल्स भी पढ़ने हैं आगे जाके, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट में भी, डेफिनेट में भी पढ़ना है, जैसे डबल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, तो वहाँ पे हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको आप एज अ होमवर्क चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, वन प्लस साइन टू एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस, कोई ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में एक ही तरह का फॉर्मूला अप्लाई हो, ठीक है, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा वो देखते हैं। अब साइन टू एक्स में हमको नहीं पता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला ही पता है, दैट इज टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो स्क्वायर तो वहाँ पे है नहीं, तो फिर यहाँ पे किस तरीके से ये वन हटेगा और इस यहाँ पर से स्क्वायर रूट हटेगा ताकि मुझे इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। देखते हैं क्या हो सकता है फ्रेंड्स, ज़ीरो टू पाई बाय फोर, इस वन की जगह पे क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, आई थिंक लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन होती है, ठीक है। ओके नाउ प्लस साइन टू एक्स की जगह पे अभी मैंने वहाँ जो फॉर्मूला लिखा है, यानी कि टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान देंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्म पे है, दैट इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ऐसा होने से क्या हुआ कि अब ये जो होल स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, तो मेरे पास बचा 0 टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब बस दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन हम लिमिट पुट कर देंगे, तो अब इंटीग्रेट करते हैं। ओके सबसे पहले फ्रेंड्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कर ही देना चाहिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होगा फ्रेंड्स, अभी मैंने लिखा था कुछ देर पहले भी, माइनस कॉस एक्स, एंड इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होगा, प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, सो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स, और इस पूरे पे लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। अब हम डी एस नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाने के बाद डी एस किसी काम का नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम यहाँ पर लिमिट इनपुट करेंगे, माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0 एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका माइनस साइन बाहर ही है। ओके फ्रेंड्स, नाउ प्लस साइन साइन पाई बाई 4 एंड माइनस साइन 0। ओके फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं, माइनस है कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 मीन्स कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1 अपॉन रूट 2, वी ऑल नो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1। ओके नाउ प्लस साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की भी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ
वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू ही होती है, तो ये भी वन अपॉन रूट टू, एंड साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो इधर कुछ आया ही नहीं। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया जाए और ये माइनस माइनस प्लस वन, एंड माइनस ये प्लस वन अपॉन रूट टू, तो ये प्लस और ये एक माइनस वन टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या वन, एंड दैट इज आवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 साइन 3x साइन 2x dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि इंटीग्रेशन में दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर साथ में है मल्टीप्लाई, खास के साइन साइन, साइन कॉस, कॉस कॉस या कॉस साइन, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी u इंटू v जो हमने पढ़ा था वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेन मोटिव क्या था कि हम किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर करके जीरो कर देते हैं, तो फिर मेरा इंटीग्रेशन स्टॉप हो जाता है, दैट इज वहाँ पर मेरा फिर फाइनल आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस आएगा, कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे फिर साइन आएगा, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस आएगा, तो ये कभी ख़त्म होगा नहीं, ये रोटेट होता जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करके हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने पहले ही पढ़ा है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके फ्रेंड्स, अप्लाई किया जाए, इससे क्या होगा, हम मेरा मेन मकसद क्या था, दोनों फंक्शंस के बीच में या उन्हीं के या किसी और के रिस्पेक्ट में प्लस या माइनस आ जाना और वो सेपरेट हो जाए, मल्टीप्लाई से हट जाए, ठीक है, उसको मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हटाना था तो हटा दिया। नाउ क्या होगा, कॉस 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x प्लस 2x एंड dx। ओके फ्रेंड्स, टू थ्री एक्स माइनस टू एक्स कितना होगा फ्रेंड्स, दिस विल बी कॉस एक्स एंड माइनस ये होगा कॉस 5x, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ अब तो हम यहाँ पे आसानी से दोनों जगह इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता है कि साइन एक्स होगा, देन माइनस इसका भी साइन 5x होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल मल्टीपल में है यानी कि 5 जो है वो डिवाइड में आएगा। क्लियर? नाउ ये हो गया 0 टू पाई बाय 4 इसका लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि हमें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए लिमिट पुट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें लिमिट पुट करने जा रहे हैं, लिमिट साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0, ये हो गया साइन एक्स के ऊपर साइन पाई बाय 4 अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट साइन 0, फिर बीच में माइनस है, एंड देन इस तरफ साइन 5 है पहले से, तो 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0, रखने से कोई फ़र्क नहीं, वो तो साइन 0 बाई 5 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं यहाँ तक, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ओके फ्रेंड्स, नाउ साइन 0 0, देन माइनस साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें तो पता नहीं है, वो तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसका भी वैसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन 5 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5, साइन 0 अगेन 0, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो मेरे पास बचा क्या है, सिर्फ 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस साइन 5 पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। अब थोड़ा सा साइन 5 पाई बाई 4 के तरफ हमको
मेहनत करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। वैसे तो आप चाहें तो इसको ये सोच सकते हैं कि 105 ये पाई बाई फोर, पाई बाई फोर मीन्स कितना हो गया 45, 45 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा 180, 180 फोर टाइम्स में हो जाता है और उसमें प्लस 45 यानी कि 225, यानी कि मेरा एंगल है ये एक्चुअली में कितना 225। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है तो आप चाहो तो सबसे इजी मेथड है हमारा ये पाई, ठीक है, क्वाड्रेंट, ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में गया पाई और ये 45 डिग्री यहाँ कहीं, यानी कि टोटल ये एंगल जो है 225 वो ये वाला है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। और हम उस 225 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, क्लियर है। आइए 180 प्लस 45 लिख सकते हैं, इट मींस के साइन 5 पाई बाय 4 को हम पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, पाई मीन्स 180 एंड पाई बाय 4 मीन्स 45, पाई प्लस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के अलावा बाकी सब निगेटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव सिर्फ कौन हो सकते हैं टैन एंड कॉट और बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है, तो बाकी सब निगेटिव होते हैं तो ये क्या है साइन है, तो फिर यहाँ तो पहले ही हम माइनस लगा दें, ठीक है। नाउ हमें पता है कि साइन साइन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, ठीक है, ये साइन साइन में रह जाता है, कॉस में चेंज नहीं होता है। कॉस में चेंज कब होगा, जब हम उसमें पाई बाय 2 से कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 यानी कि माइनस, और ये प्लस माइनस का डिसीजन जो है वो हमें कौन देगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा, ठीक है, कि एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है उस हिसाब से हम उसको अप्लाई करेंगे। और ये चीज़ हमें पता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी हम पढ़े हुए हैं, ऐड फॉर ऑल शुगर के एस से साइन कॉस, टू से टी टैन और कॉट, और कॉफ़ी से कॉस और सेक, वो सब अपने अपने क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं, उनके अलावा वहाँ पे कोई आया तो वो निगेटिव होता है। माइनस साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर की वैल्यू हमको पता है 1/√2, यानी कि फाइनली साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू आई -1/√2। अब हम इसे वहां पर वापस पुट करेंगे फ्रेंड्स, मेरी वैल्यू यहां तक आ चुकी थी और यहां हम पुट कर रहे हैं -1/√2 और इसके नीचे में है डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/5 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ यहाँ पर अगर इसको हम एलसीएम ले लें तो ये 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि हो जाएगा 6/5√2। डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं अच्छा लगता है तो हम क्या करें, रैशनलाइज कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ टू से रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा √2 √2, तो 2 आ जाएगा, तो 5 × 2 = 10, तो फाइनली ये बचेगा 6√2/10। अगर और कुछ कट रहा है जैसे 2 × 3 = 2 = 5, सो आवर फाइनल आंसर इज 3√2/5 इज द फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर होगा। एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और ये टाइप कुछ इस टाइप से है कि साइन पे पावर 3 है, साइन का पावर 3x या कॉस का पावर 3, यानी साइन क्यूब एक्स ही बोलेंगे उसको और कॉस क्यूब एक्स भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, और एक क्वेश्चन आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज 0 to π/2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, 0 to π/2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, मैं कोई एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ।
सबसे पहली बात, साइन या कॉस के अगर पावर है, पे अगर पावर है, तो अभी हमें उसका इंटीग्रेशन सिखाया नहीं गया है, वो आगे हमें सीखना है। फिलहाल हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमको दो फॉर्मूला ज़रूर याद होना चाहिए, एक तो साइन 3x का और दूसरा कॉस 3x का, ठीक है? देखिए अगर नहीं भी याद है तो आप चाहें तो इसे साइन 2x प्लस एक्स करके साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे एक्सपेंड करके फिर उसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले एक्सपेंड करने के बाद फिर साइन 2x और कॉस 2x का फॉर्मूला पुट करके देन मल्टीप्लाई करके आप उसे डिराइव कर सकते हैं। सेम प्रोसेस कॉस पे भी, इसे भी आप x प्लस 2x लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले पे पुट करें देन कॉस 2x और जहाँ पे साइन 2x होगा उसको रिप्लेस करें देन मल्टीप्लाई करें देन आपका फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर आप एक छोटा सा ट्रिक से याद रखें, ट्रिक ये है कि साइन में दोनों टर्म जो आता है वो साइन का आता है और बीच में माइनस होता है, ठीक है? कॉस में दोनों टर्म जो आता है कॉस का होता है और बीच में माइनस होता है, पहली बात। दूसरी बात, साइन के लिए होता है 31 43, कॉस के लिए होता है 43 31। ओके फ्रेंड्स, 31 43 साइन के लिए, कॉस के लिए 43 31। तो साइन के लिए मैंने लिखा इस वन का मतलब कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 sin x - 4 sin 3x, ठीक है? वैसे ही यहाँ 4 cos 3x - 3 cos x। तो यहाँ से आपको, जैसे हमको यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है? फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें, मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये आ गई हमारी साइन 3x की वैल्यू। अब क्या करें, इस नेगेटिव टर्म को इस तरफ ले आए तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको उधर भेज दें तो वो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ हमको तो सिर्फ साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो 4 की भी जरूरत नहीं है, तो 4 को कहाँ भेज दें, उधर डिवाइड भेज देते हैं। आगे मेरा फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ। वैसे ही कॉस क्यूब एक्स में भी वैसे ही था, कॉस 3x के फॉर्मूले में से आप कॉस क्यूब एक्स को निकालेंगे और उसको वहाँ पुट कर देंगे तो फिर आसानी से दोनों जगह इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमें पता है कैसे करनी है। आइए अच्छा मैंने मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं। फॉर्मूला कुछ इस टाइप से था, 3 sin x - sin 3x and dx। ओके, शायद मैं सही हूँ। चलें 1/4 तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। एंड इंटीग्रेशन करना है मुझे एक बार यहाँ एक बार यहाँ, यहाँ पे जो 3 है 3 ही रहने दें, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ओके फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं। देन माइनस साइन का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कॉस 3x एंड डिवाइडेड बाई 3, और इस पूरे पे लिमिट है 0 to π, लिमिट है 0 to π। अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं, तो लिमिट रखने के ध्यान से इसको माइनस 3 पहले ही कर दें। अब लिमिट रखते हैं कॉस पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, ये माइनस माइनस प्लस भी कर दें, 1/3 को भी बाहर रखते हैं, और यहाँ पे कॉस 3π माइनस कॉस 0, कोई इशू नहीं फ्रेंड्स, सब कुछ क्लियर है। ओके, अब माइनस 3 कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस 1/3,
कॉस थ्री पाई, कॉस थ्री पाई की वैल्यू भी माइनस होती है, कॉस में वैल्यू अल्टरनेट चेंज होती है, कॉस पाई माइनस वन, कॉस टू पाई वन, कॉस थ्री पाई माइनस वन, कॉस फोर पाई वन, ऐसे ध्यान रखें कि अगर मल्टीपल ऑड है तो निगेटिव, मल्टीपल इवन है तो पॉजिटिव। क्लियर फ्रेंड्स? वैसे भी हमें पता है कि कॉस एन पाई इज इक्वल टू होता है माइनस वन टू द पावर एन, माइनस वन टू द पावर एन, ठीक है। और साइन एन पाई, इनकी जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन में, खास के डिफिनेट में, ये ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे, साइन एन पाई ऑलवेज जीरो होता है। तो ये भी माइनस वन हो गया, फिर माइनस है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ये आ गया यहाँ पे। अब माइनस वन टू ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, टू थ्री जा सिक्स, ये माइनस टू यहाँ प्लस को माइनस कर देगा, टू बाई थ्री। अब इसे हम सिर्फ सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके, क्या हो जाएगा ये 18 माइनस टू 16, 16 बाई थ्री, यानी 1 बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई 16 बाई थ्री, 4 जा 16, यानी मेरा फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पर वो है 4 बाई 3। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आप लोग बना लेंगे, आप लोग चाहें तो मैं उसका आंसर लिख देता हूँ, एंड इस क्वेश्चन का आंसर है 2 बाई 3। ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, इनका यूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को लिखेंगे हम के इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले वेरिएबल था x में, अब वेरिएबल आ गया t में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ वेरिएबल, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर टू पे है, प्रॉपर्टी नंबर टू कहता है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, ऑर्डर जहां पे वर्ड आएगा तो वो ऑर्डर डिफाइन कर रहा है हमारे लिमिट्स को, जो ए टू बी हमारी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट थी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि अगर a टू b एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन है तो हम वहाँ पे लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, बस चेंज सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि एक माइनस आ जाएगा, चेंज क्या होगी, सिर्फ एक माइनस आ जाएगा, हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड्स, चाहो तो आप यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो इसका, दैट इज इफ द लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स are interchanged then
its value changes by minus sign only. Its value changes by minus sign only. Clear friends? कोई doubt नहीं. तो ये हो गई हमारी second property of definite integrals. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी नंबर थ्री का नाम है एडिटिविटी. नाम से ही लग रहा है कुछ ना कुछ एडिशन से रिलेटेड होगा, है ना. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स गिवेन है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स गिवेन है, तो हम उस लिमिट को, उस लिमिट के बीच में कोई ना कोई और एक वैल्यू को चूज करके फंक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं बीच में प्लस या माइनस का साइन देकर. ठीक है, प्लस का ही साइन देते हैं बेसिकली, क्योंकि हम इसको लोअर से अपर के बीच में हम एक मिडिल लिमिट ले रहे हैं, और मिडिल लिमिट में ले रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो फिर उसको हम प्लस ही का साइन देंगे. ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सी टू बी, यानी ए से सी एंड सी टू बी. मान लो आप इसको नंबर लाइन पे इस तरीके से समझो कि कोई वैल्यू है ज़ीरो, और ज़ीरो से लेके समथिंग इनफाइनाइट दिया हुआ है लिमिट. ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, लाइक पाई, टू पाई, पाई बाई टू, कुछ भी पड़ सकता है. क्वेश्चन था मेरा ज़ीरो टू इन्फिनिटी में, मैंने उस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया ज़ीरो टू पाई एंड पाई टू इन्फिनिटी में, तो बात एक ही है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके और इसके सोल्यूशन में. ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर थ्री, दैट इज एडिटिविटी. ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फोर. प्रॉपर्टी नंबर फोर का नाम है जीरो. प्रॉपर्टी का नाम ही है ज़ीरो, मतलब जाहिर सी बात है कि जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा. ठीक है, तो वो ज़ीरो कब आएगा? वो ज़ीरो तब आएगा जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो और मुझे नज़र आ रहा है साफ साफ कि जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों की दोनों सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा? ज़ीरो. इंटीग्रेट करके भी देखना टाइम वेस्ट है. ठीक है, चाहो तो आप करके देख लेना और उसमें लोअर अपर लिमिट रख के देख लेना, वो आएगा ही आएगा ज़ीरो. ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फोर. एक और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फ्रेंड्स आज इसकी हम, प्रॉपर्टी नंबर फाइव, जिसका नाम है सम एंड डिफरेंस. क्या नाम है? सम एंड डिफरेंस. ओके, सो इसमें क्या है कि अगर कोई दो फंक्शन यानी एफ एक्स और जी एक्स एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस से रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस से रिलेटेड हैं, कोई दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स विद द लिमिट ए टू बी, और उसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन. तो हम उस केस में दोनों फंक्शन के साथ सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद दोज लिमिट्स, और बीच में जो उनके बीच में जो साइन था, अगर प्लस था तो प्लस रहने देंगे, और अगर माइनस था तो माइनस रहने देंगे, और उसे हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी नंबर फाइव समझ में आ रही है, सम एंड डिफरेंस. क्लियर है? चलिए, आइए प्रॉपर्टीज और कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस हम आगे और करेंगे. ठीक है, आज एक इंट्रोडक्शन था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, आज मैंने आपको डेफिनेट का एक इंट्रोडक्शन दिया है.
ठीक है। तो उसी टाइप से आज इम्प्रॉपर का भी इंट्रोडक्शन आज आपको हम देंगे, क्योंकि दोनों एक ही साथ इंट्रोडक्शन क्लास क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी तो उसमें हम इनके और भी आगे के क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, नाउ आवर टॉपिक इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऐसा इंटीग्रल होता है फ्रेंड्स, चाहो तो आप लिख सकते हो कि अगर लेट कोई इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, उसको हम आई मान लिया, ठीक है। सो इफ इफ नहीं सो इंटीग्रल आई इज सेड टू बी इम्प्रॉपर, सेड टू बी इम्प्रॉपर इफ इफ फर्स्ट पॉइंट के इम्प्रॉपर कब कब कहा जाएगा, किसी भी इंटीग्रल को इम्प्रॉपर कब कब कहा जाएगा उसका फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आइदर आइदर ए और बी, जो दोनों लिमिट हैं, यानी कि या तो लोअर लिमिट या तो अपर लिमिट, आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, इज व्हाट फ्रेंड्स, इज इनफाइनाइट, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, क्लियर है। बहुत सारे क्वेश्चन में भी आपने देखा, अभी तक पीछे ही मैंने लिखा था कहीं पे जीरो टू इन्फिनिटी, या कहीं पे लिखा होगा ऐसा इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। तो ये कैसे इंटीग्रल्स हैं, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं, डेफिनेट तो हैं लेकिन ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी डेफिनिटी जो है ये कंप्लीट डेफिनेट डिफाइन नहीं है, एक जगह डिफाइन है एक जगह डिफाइन नहीं है। अगर इसको आप लिमिट के तौर पे भी लिखोगे तो एक आपने पढ़ा होगा ब्रैकेट्स, लिमिट्स की जो ब्रैकेट्स होती हैं तो वो इस टाइप से जीरो एंड इन्फिनिटी, और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट आएगी, यहाँ बड़ी ब्रैकेट, यहाँ छोटी, क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट टेक इन्फिनिटी एज ए वैल्यू, वी कैन नॉट टेक इन्फिनिटी एज ए वैल्यू, क्लियर है। हाँ, अगर कहीं पे ये भी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तब तो फिर इधर भी छोटी ब्रैकेट आ जाएगी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी होगा, क्लियर है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कब कहा जाएगा, फर्स्ट आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, क्लियर है। चलो सेकंड, एफ एक्स जिसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं, जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसको हम इंटीग्रेंड कहते हैं, ठीक है। एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट ए और बी। सेकंड क्या होगा कि हो सकता है कि ए और बी, ठीक है, मतलब वहां इनफाइनाइट नहीं है, वो सही है, वन टू कुछ भी, वाट एवर जीरो टू पाई बाई टू कुछ भी हो, लेकिन जब हम उसको सॉल्व किए इंटीग्रल को और एफ एक्स में जब पुट किए तो वो इनफाइनाइट आने लगा, यानी कि वो कैसा आने लगा, अनबाउंडेड। बाउंडेड क्लियर है, बाउंडेड हमको पता है कि जो हमने ग्राफ भी आपको दिखाया था उसमें ये बाउंडेड ही था, लेकिन जहाँ पर वैल्यू इनफाइनाइट आने लगेगी तो फिर वो तो अनबाउंडेड कहलाएगा। यानी कि दोनों केसेस में इम्प्रॉपर की डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी हमारी, पहला लिमिट्स इनफाइनाइट हो कोई एक या दोनों, क्लियर, दूसरा लिमिट्स इनफाइनाइट ना हो, लिमिट्स डिफाइन हो, ठीक है, और जो एफ एक्स है, जो इंटीग्रेंड है वो अनबाउंडेड हो, वो क्या हो, अनबाउंडेड हो, यानी कि जो सॉल्व करने पर आए वो कुछ इनफाइनाइट आ जाए वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो इम्प्रॉपर का हो गया डिफिनेशन पार्ट, ठीक है, कि इम्प्रॉपर
दो टाइप से हो सकते हैं, पहला आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट एंड सेकेंड एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट ए और बी। क्लियर फ्रेंड्स, आते हैं कुछ टाइप्स, दो टाइप्स हैं इसके। टाइप वन इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप वन पे आते हैं। टाइप वन कहता है कि एफ एक्स है डी एक्स है ओके एंड जीरो टू इन्फिनिटी है, और माइनस इन्फिनिटी से बी है, एफ एक्स है डी एक्स है। और क्या टाइप हो सकता है इसका, हो सकता है माइनस इन्फिनिटी से ही इन्फिनिटी हो, यानी कि दोनों इन्फिनिटी हो। ठीक है, टाइप वन क्या कह रहा है कि कोई एक इनफाइनाइट हो, क्लियर, या दोनों इनफाइनाइट हो। क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी इनफाइनाइट ही है। क्लियर, ये हो गया टाइप वन। यहाँ पे जो एफ एक्स है, जो मेरा एफ एक्स आएगा, वेयर एफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटरवल, वेयर एफ एक्स इज बाउंडेड इन गिवन इंटरवल, यानी कि लिमिट डिफाइनाइट नहीं है, इनडिफिनिट है। लिमिट कैसी है, इनफाइनाइट है, लेकिन जो मैंने पुट किया एफ एक्स में और जब उसको सॉल्व किया तो मेरा एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो प्रॉपर कोई वैल्यू मुझे पता है, तो बाउंडेड वैल्यू आ रही है। ठीक है, वो अनबाउंडेड नहीं आ रही है। क्लियर है, तो ये हो गया टाइप वन। अब टाइप टू, टाइप टू कह रहा है कि अगर इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स विद द लिमिट ए टू बी, इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स विद द लिमिट ए टू बी, तो इस केस में यहाँ पर जो मेरा ए और बी है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो क्या है, फाइनाइट है, वो क्या है, फाइनाइट है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करने गए और उस फाइनाइट वैल्यूज को एफ एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट एज ए लिमिट जैसे हम पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो मेरी वैल्यू निकली वो वैल्यू अनबाउंडेड निकली, बाउंडेड नहीं निकली, कैसे निकली, अनबाउंडेड निकली, तो वो है टाइप टू इम्प्रॉपर का। ठीक है, यानी इस बार लिमिट ठीक है लेकिन लिमिट पुट करने पर जो वैल्यू आई वो कैसी है, अनबाउंडेड है। इनका भी नाम है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, अभी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो एक पॉइंट है हमारा। यहां पे आप लिख सकते हो हेयर ए एंड बी आर फाइनाइट बट आइदर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बिकम्स प्लस माइनस इन्फिनिटिव, यहाँ पे चाहो तो आप इक्वल टू ना लिख के टेंड्स टू लिख सकते हो, यानी जो फंक्शन है वो लोअर लिमिट यानी एक्स पे जब एक्स टेंड्स टू ए हुआ तो मेरा फंक्शन कैसा हो गया, प्लस माइनस इन्फिनिटिव हो गया। क्लियर है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू बी यानी जो अपर लिमिट है उसको भी पुट करने पर, या तो उसको, या तो इसमें किसी एक में ही ऐसा होगा, हो सकता है दोनों में भी हो जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, कुछ इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर भी हो जाएगा कि किस टाइप से वो इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव या प्लस इन्फिनिटिव आ रहा है। ठीक है, इसके लिए भी कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, बहुत सारी होती हैं जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप टू क्लियर है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंसी, देखते हैं कन्वर्जेंसी क्या कहता है। ठीक है, कन्वर्जेंसी कहता है कि जब व्हेन, डायरेक्ट इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हेन वी इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स
डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इफ वी गेट फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशन देन दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल, दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज नोन एज, इज नोन एज कन्वर्जेंट इंटीग्रल, कन्वर्जेंस इंटीग्रल। ध्यान देंगे फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, व्हेन वी इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एस, हो सकता है कि वहां ए या बी में से कोई भी एक क्या हो, इनफाइनाइट हो, इसीलिए तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसीलिए तो वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और उसको सॉल्व करने पर व्हाट वी गेट, वी गेट ए फाइनाइट एंड यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब हो गया कि वन, कुछ दूसरी वैल्यू ना आए, और फाइनाइट मतलब डिफाइन हो, ठीक है। देन दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज नोन एज कन्वर्जेंस इंटीग्रल, ठीक है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंट, या उसको कन्वर्जेंसी भी बोलते हैं। क्लियर है, कोई इशू नहीं फ्रेंड्स, कन्वर्जेंस इंटीग्रल या कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, कन्वर्जेंट भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंसी। क्लियर, क्या मुझे मिलनी चाहिए इसमें, फाइनाइट एंड यूनिक। जब सॉल्यूशन करेंगे आंसर जो आएगा वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट, नेक्स्ट क्या है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी को जब हमने सॉल्व किया, को जब हमने सॉल्व किया और वो आ गया कुछ इस टाइप का, मतलब क्या आ गया है, इनफाइनाइट, क्या आ गया है, इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, क्या आ गया है, इनफाइनाइट। तो उस केस में हम उस इंटीग्रल को देन, देन दिस इंटीग्रल, ये हमारा एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, दिस इंटीग्रल इज नोन एज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इंटीग्रल। क्लियर फ्रेंड्स, दोनों केसेस, दोनों टाइप क्लियर है आपको अच्छे से, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंट में क्या था कि लिमिट कोई एक क्या थी, इनफाइनाइट थी, लिमिट कोई एक इनफाइनाइट थी जिसको पुट करने पर मुझे फाइनाइट और यूनिक सॉल्यूशन मिला। और डाइवर्जेंट में क्या है कि सब कुछ ठीक है, हो सकता है इनफाइनाइट हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन जो सॉल्यूशन आया वो कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, कैसा आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। वैसे भी यहाँ भी कोई ना कोई एक जो है वो इनफाइनाइट ज़रूर होगा, क्योंकि तभी हम इम्प्रॉपर पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं भी हो सकता है, कैसे। इम्प्रॉपर का दो टाइप बताया मैंने आपको, पहला क्या, लिमिट इनफाइनाइट हो एफ एक्स ठीक हो, दूसरा टाइप क्या था, लिमिट फाइनाइट हो और जब उसको पुट करने पर एफ एक्स जो आया वो अनबाउंडेड हो, मतलब क्या हो, इनफाइनाइट। तो बात तो वही है, तो दोनों इम्प्रॉपर के ही टाइप है। क्लियर है, चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा इजी क्लियर हो जाएगा आपको कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हम एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन
ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको लिमिट लिखकर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी करके ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यानी हमने क्या किया, इन्फिनिटिव की जगह पे x लगा दिया और x के लिए हमने लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव लिख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में ऐसा लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर वन, इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, देखते हैं क्या है ये। आइए सबसे पहले आप चाहें तो इस क्वेश्चन को है तो इसी फॉर्म का, तुम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिखना है हमें, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, कोई इशू फ्रेंड्स? नहीं, हमने क्या किया, इन्फिनिटिव के जगह पे एक्स लगा दिया और एक्स के लिए लिमिट लिख दिया एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, इसका मतलब होता है एक्स इज गोइंग टू मीटिंग इन्फिनिटिव, मतलब ये इससे मिलने जा रहा है, मतलब वो किससे मिलने जा रहा है, इन्फिनिटिव से, मतलब क्या बनने जा रहा है, इन्फिनिटिव बनने जा रहा है, ठीक है, इट मीन्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, क्लियर। चलिए अब e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे से पता है, और क्या होता है वो इंटीग्रेशन, e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस e टू द पावर x होता है और इस पे लिमिट 0 टू x। ओके फ्रेंड्स, यहां तक कोई इशू नहीं, आगे आइए। अब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो e टू द पावर माइनस एक्स होगा और माइनस, इस माइनस की वजह से यहाँ पर जो माइनस आने वाला है, लोअर लिमिट से पहले जो माइनस लगता है वो माइनस, और ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा प्लस और e टू द पावर ज़ीरो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नाउ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन आएगा, कैसे कैसे, क्या ई टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, सो वहां पे वन आ गया, चाहो तो आप साइड में कहीं पे लिख सकते हो दैट एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं एक्स टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी कि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, वी ऑल नो दैट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सो दिस इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया वन, और वन जो है ये एक कैसी वैल्यू है, ये एक फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू है, वन कैसी वैल्यू है, एक फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू है, सो दिस क्वेश्चन दिस इंटीग्रल इज वॉट, इट इज एन कन्वर्जेंट, कैसा इंटीग्रल है, ये एक कन्वर्जेंट है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं, ठीक, गुड। और एक आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक आपके लिए मैंने छोड़ दिया, ये दिस इज फॉर यू, ट्राई दिस, कुछ नहीं, इस बार मैंने क्या किया है कि लोअर लिमिट को इनफाइनाइट बनाया, ठीक है, और वो भी निगेटिव साइन के साथ, तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो जब भी लिमिट भी आप लगाएंगे तो एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कर देंगे और इसकी जगह पे एक्स लिख देंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और जैसे ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखी हैं, तो और भी कुछ ध्यान में रखें, लाइक क्या कि एनी थिंग और e टू द पावर इन्फिनिटिव इज ऑलवेज वॉट, ऑलवेज इन्फिनिटिव, ओके, e टू द पावर इन्फिनिटिव इज ऑलवेज इन्फिनिटिव, बट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटिव इज ऑलवेज जीरो, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और देखा जाए, इस बार लिमिट में क्या है, तो भाई दोनों इनफाइनाइट हो गया, माइनस इन्फिनिटिव से इनफाइनाइट, ठीक है,
माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जो दिया गया है 1/x² dx इतना दिया गया है। तो कैसे बनेगा, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रॉपर्टी याद आ रही है, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव है तो उस लिमिट को हम बीच में कोई एक वैल्यू चूज करके हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, फंक्शन को हम दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को इसमें हम यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। आई थिंक ज़ीरो जो है माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव के बीच में तो पड़ता ही होगा ना, जाहिर सी बात है, इधर इन्फिनिटिव जा रहा है ये ज़ीरो और इधर निगेटिव इन्फिनिटिव जा रहा है, क्लियर है। तो ज़ीरो तो बीच में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, तो हम माइनस इन्फिनिटिव से ज़ीरो ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन एक बार लिख दिया dx और फिर प्लस फिर से इंटीग्रल साइन और इस बार ज़ीरो से इन्फिनिटिव, मतलब एक बार माइनस इन्फिनिटिव से ज़ीरो एंड ज़ीरो से इन्फिनिटिव, तो पहुंच गया ना माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव, बात तो एक ही है, क्लियर, कोई इशू नहीं। और इसी फंक्शन को हम इस बार यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब 1/(1+x²) का इंटीग्रेशन आई थिंक आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है tan इनवर्स x, ठीक है, ये होता है tan इनवर्स x माइनस इन्फिनिटिव से ज़ीरो, और ये भी इंटीग्रेशन जो tan इनवर्स x ही होगा, और यहाँ लिमिट है 0 to infinity, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव प्लस, फिर यहाँ tan इनवर्स इन्फिनिटिव एंड माइनस tan इनवर्स 0, ओके फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं। tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, वी ऑल नो tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0, उसके अलावा tan इनवर्स इन्फिनिटिव की वैल्यू होती है π/2, tan इनवर्स इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, π/2, ओके, एंड tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू होती है, ये माइनस थीटा माइनस इन्फिनिटिव अगर रहेगा तो माइनस हो जाता है और tan इनवर्स फाई हो जाता है, और tan इनवर्स फाई π/2 होता है, सो इट बिकम्स माइनस π/2, यानी कि tan इनवर्स माइनस फाई की वैल्यू होती है माइनस π/2। तो अब इन सब वैल्यूज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ये जीरो खत्म, यहाँ माइनस पहले से है और tan इनवर्स माइनस का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव का वैल्यू माइनस π/2, फिर ये प्लस π/2 और ये भी जीरो, tan इनवर्स जीरो जीरो है तो ये भी खत्म, क्लियर फ्रेंड्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी π/2 + π/2 कितना होगा पाई, यानी 90 + 90 = 180, सो π/2 + π/2 = π, यानी ये हो गया आपको पाई, इस क्वेश्चन का आंसर आया पाई। आंसर कैसा है, फाइनाइट इनफाइनाइट यूनिक, क्या है आंसर जो है, बहुत सिंपल, आंसर क्या है भाई, तो फाइनाइट है एंड यूनिक है, आंसर कैसा है, फाइनाइट है एंड यूनिक है, ओके तो फाइनाइट और यूनिक है तो मतलब क्या है, कन्वर्जेंट है, कोई डाउट, क्या है ये, कन्वर्जेंट, ओके फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन डाइवर्जेंट का भी कर लेना चाहिए, अभी तक दोनों क्वेश्चन में कन्वर्जेंट ही आ गया है। चलिए इस इंटीग्रल को देखते हैं, ये भी एक इम्प्रॉपर ही है, नो डाउट, 0 to ∞ e^x dx, ठीक है, क्या होगा, चाहे तो आप इसको पहले लिमिट के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, x→∞ 0 to x e^x dx, ओके फ्रेंड्स। नाउ e^x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x ही होता है, ठीक है, यहाँ पे मेरा है लिमिट x→∞ और 0 to x, ठीक है, अब हम लिमिट पुट कर दें,
ई टू द पावर एक्स, सॉरी ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर ज़ीरो, ई टू द पावर एक्स तो ई टू द पावर एक्स ही रह जाएगा एंड ई टू द पावर ज़ीरो हमको पता है एनीथिंग रेस टू ज़ीरो की वैल्यू होती है कितनी, वन होती है। चलिए अब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया जाए तो ई टू द पावर इन्फिनिटी माइनस वन, एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस वन भी होता है इन्फिनिटी। तो ये जो वैल्यू आई ये कैसी वैल्यू आई है, ये आई है इनफाइनाइट, ये कैसी वैल्यू आई है इनफाइनाइट। तो ये क्या है, ये है डाइवर्जेंट, ये क्या है, ये है डाइवर्जेंट का एक क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स, एनीथिंग रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी माइनस वन इन बहुत बड़े वैल्यू में से एक माइनस कर दिया तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तो वो इन्फिनिटी भी रह गया। क्लियर है, तो ये यहाँ तक आज का पार्ट यहीं तक किया जाए और इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सो थैंक यू फ्रेंड्स।